सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मैटर ऑलरेडी सीज कर लिया है हाई कोर्ट ने, तो आप एक इशू के लिए दो कोर्टों को इन्वॉल्व मत करिए, आप भी हाई कोर्ट जाइए और मैं लिबर्टी देता हूं कि आप कल मेंशन करेंगे, कल ही आपका मैटर सुना जाएगा हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जबलपुर हाई कोर्ट को गुरुवार को दोबारा सुनवाई के लिए कहा गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट को गुरुवार 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। पांचवी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की थी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पंचायत इलेक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो ऑर्डिनेंस मध्य प्रदेश सरकार ने इशू किया है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मैटर ऑलरेडी सीज कर लिया है हाई कोर्ट ने, तो आप एक इशू के लिए दो कोर्टों को इन्वॉल्व मत करिए, आप भी हाई कोर्ट जाइए और मैं लिबर्टी देता हूं कि आप कल मेंशन करेंगे, कल ही आपका मैटर सुना जाएगा हाई कोर्ट में। तो इस लिबर्टी के साथ, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जो ऑर्डिनेंस है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि एक ही इशू को दो कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इसीलिए हमें वो लिबर्टी दी है। लिबर्टी के साथ हमें ये कहा है आप इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें।